फोर इक्वल चार्जेस स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, स्मॉल क्यू ईच आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड स्मॉल ए तुरंत आज ही से। हाँ हाँ टाइम टेबल बनाओ ना, दो दो घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दो दो घंटे पढ़ो, बैठ जाएगा। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Work done in carrying a charge small q from its center to infinity from its center to infinity लिखा है क्वेश्चन में। देखो ऑप्शन ए दे रखा है जीरो, ऑप्शन ए है जीरो, ऑप्शन बी है टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन सी है रूट टू क्यू स्क्वायर, रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ऑप्शन डी है Q square upon 2 pi epsilon naught A upon 2 pi epsilon naught A। देख लो, ठीक है, देखिए फटाफट करो भी इसको। मैंने आपको बताया था ये ट्रायंगल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। Four equal charges, small q each, are placed at four corners of a square, each side A. ठीक है, तो यहां पर भी प्लस q, यहां पर भी प्लस q, यहां पर भी प्लस q और यहां पर भी प्लस q। ठीक है, हम वो बोल रहे हैं वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज माइनस q फ्रॉम इट सेंटर टू इन्फिनिटी, सेंटर से उठाकर इन्फिनिटी पर ले जाने में वर्क डन क्या करना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, मैं सेंटर पर सबसे पहले इन चारों की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल आ जाएगा फिर वर्क डन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहां पर हम ये कहेंगे कि जब इसका स्क्वायर की साइड ये ए दे दिया है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला डिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब अगर मेरे को ये यहां पर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, तो r की वैल्यू क्या हो गई, a अपॉन रूट टू, r की वैल्यू a अपॉन रूट टू हो गई। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि यहां पर इसकी वजह से कितना लगेगा, पोटेंशियल कितना होगा इसकी वजह से, a b c d। तो हम ये कहेंगे कि v एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या के बोल दो, के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है ये आर, क्यू अपॉन आर, और आर कितना है, हाँ
तो क्यू अपॉन ए अपॉन रूट टू ये हो गया। मैं जानता हूं कि डिनोमिनेटर का भी अगर कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो के इंटू रूट टू क्यू अपॉन ए जो आंसर है उसमें पाई और एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है या फिर जीरो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब के की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट टू क्यू अपॉन ए। अब आप ये देखिएगा कि इसी तरीके के जो पोटेंशियल है इसकी वजह से भी यही पोटेंशियल, इसकी वजह से भी यही, इसकी वजह से भी यही, इसकी वजह से भी यही, क्यों? क्योंकि चारों के चारों जो चार्जेस हैं वो इक्वल दे रखे हैं, तो चारों की वजह से जो पोटेंशियल होगा जब सबको सम कर देंगे तो मैं कहूंगा टोटल पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ऑल चार्जेस। बताओ क्या आ रहा है? एक मिनट, सी है ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये क्या हो जाएगा, इसको वी नॉट बोल दिया और ये हो गया 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट क्यू रूट टू क्यू अपॉन ए। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट टू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि यहां से इन्फिनिटी पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम किसी भी चार्ज को कहाँ से ले जा रहे हैं, सेंटर से इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। तो जैसे आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने देखा था जहां पर एक चार्ज था उसको ए से बी तक ले जाना था, तो मैं मेरे को ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो मैंने वी बी माइनस बी ए करा था। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि एक अलग चार्ज है और वो चार्ज क्या है, माइनस क्यू, उस माइनस क्यू चार्ज को मुझे ओ से ले जाकर और इन्फिनिटी तक ले जाना है, ठीक है, ओ से इन्फिनिटी तक। तो वी इन्फिनिटी निकालूंगा, जैसे वी नॉट है वी नॉट निकाला यानी कि पोटेंशियल एट ओ, ऐसे ही मैं वी इन्फिनिटी निकालूंगा यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो वी इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, आप ये देखो कि इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहां पर, इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर, इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर और इस वाले चार्ज की वजह से यहां पर, भाई चारों चार्जेस की वजह से निकालेंगे पोटेंशियल किसी एक सिंगल पॉइंट पर क्योंकि चार ही चार्जेस हैं, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। फिर जैसे यहां पर 4 आया था चारों चार्जेस की वजह से टोटल निकाला, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्जेस चार्ज है एक चार्ज की वैल्यू क्या है स्मॉल क्यू अपॉन जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस क्योंकि इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं तो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। अच्छा इन्फिनिटी अगर यहाँ पर 4 से 4 कट गया इसकी कोई मतलब नहीं है, बस ये समझ लीजिए अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो 0 हो गया। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ओ से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं जैसे ए से बी लेकर गए थे तो वी बी माइनस वी ए, ओ से इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो वी इन्फिनिटी माइनस वी ओ, वी इन्फिनिटी माइनस वी ओ, वी इन्फिनिटी कितना है 0, वी इन्फिनिटी कितना है 0 माइनस वी ओ आप निकाल चुके हैं रूट टू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए। वी ओ नेगेटिव में कैसे आएगा, ये आया ना वी ओ तो आ रहा है अभी, अभी बता रहा हूं, अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने इस माइनस क्यू की वैल्यू निकाल, माइनस क्यू को मैंने अभी यूज ही नहीं करा, अभी तो मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग ये चार चार्जेस हैं इनकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना है, फिलहाल तो मैं ये निकाल रहा हूँ चारों चार्जेस क्योंकि सेम है ना और डिस्टेंस भी सेम है तो सेम पोटेंशियल लगाएंगे। भाई यहाँ पर भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, हाँ इन्फिनिटी के लिए क्योंकि वो दूरी इतनी ज्यादा है, तो इन्फिनिटी +1 होगा वो भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी -1 होगा किसी में वो भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से थोड़ा बहुत कम और ज्यादा तो इन्फिनिटी ही रहेगा ना इस वजह से। तो अब आप ये देखिए, अब ये आ गया -√2q/π/ε0a। अब एक चीज समझ लेना, अब ये हमारा ओ से लेकर इन्फिनिटी के बीच का, ओ से लेकर इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मुझे ओ से इन्फिनिटी पर क्या लेकर जाना है, माइनस क्यू चार्ज को लेकर जाना है, तो और निकालना क्या, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग न्यू चार्ज, अब एक नया चार्ज है अ न्यू चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम
ओ टू इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल है जिस रास्ते पर भी जाना है तो उस रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक। तो क्या करेंगे, माइनस क्यू इंटू दिस वन, इसको क्या बोल दो, वी ओ इन्फिनिटी, ये बोल दो, ओ से इन्फिनिटी तक जाने का, वी ओ इन्फिनिटी। तो माइनस क्यू इंटू माइनस रूट टू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी मेरे से वर्क डन पूछा जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग चार्जेस मेरे को दे रखे हैं उनकी वजह से पहले मैं टोटल पोटेंशियल निकालूंगा, फिर जिस रास्ते तक मुझे जाना है वहां तक का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो गिवन चार्ज है, जो नया चार्ज गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक जो है, यहां तक जो मैंने करा था, यहां तक मैंने इसका माइनस क्यू का कोई इस्तेमाल ही नहीं करा था, ठीक। उसके बाद हमने कहा कि जब मुझे वी ओ से इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, अब किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज होता, उसको यहां से यहां ले जाना है तो उस नए चार्ज में मल्टीप्लाई कर देना है ये पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, कनिष्का, प्रिशा, उत्कर्ष, हाँ यस सर। नहीं, लॉजिक मत बताओ, लॉजिक मत बताओ, ठीक। मैं तो एक बार को चलो दिमाग में कहीं ना कहीं से कुछ उसको सोच सकता हूँ उस बारे में, लेकिन बाकी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए रहने दो। हाँ कि रूट टू इसी में आ रहा है, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अ क्यूब ऑफ साइड, हाँ हाँ नहीं ऐसा ही होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हुए आते हैं। हिंदी में क्यों लिखा हुआ आता है पता है, बताओ ना। बताओ ना जल्दी, हिंदी और इंग्लिश में क्यों होता है पता है, हाँ सर हाँ बोलो ना। जरूरी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी आप हिंदी मीडियम ऑप्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो भी इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं, वो उनकी मर्जी है, तो मीडियम सेलेक्ट करना वो हमारे हाथ में होता है, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 38, अ क्यूब ऑफ साइड एक्स हैज चार्ज स्मॉल क्यू, अ क्यूब ऑफ साइड एक्स, क्यूब ऑफ साइड एक्स हैज चार्ज स्मॉल क्यू हैज चार्ज स्मॉल क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। अब याद रखना ये क्यूब है, एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, ठीक है, फुल स्टॉप। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज, एट द एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज, ऑप्शन ए है 4 पाई अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू अपॉन सॉरी, ऑप्शन ए है 4 क्यू अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ऑप्शन बी है 4 क्यू अपॉन रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स,
ऑप्शन सी है 3q/4πε0x, 3q/4πε0x, और ऑप्शन डी है 2q/√3πε0x, √3πε0x। ठीक है, अब जरा देखो, अ क्यूब ऑफ साइड एक्स, अब यहां पर हमको स्क्वायर ना देकर क्यूब दे रखा है, तो देखिएगा क्यूब ऐसे बनेगा, क्यूब क्या होता है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें स्क्वायर का तो डायगोनल चलो मैं निकाल लेता, मुझे निकालना है क्यूब का डायगोनल। इन्होंने क्या बोला था, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब का मतलब ये है कि यहां पर क्यूब के सेंटर पर, ठीक है, और सभी जगह क्या चार्ज रखा हुआ है, यहां पर भी स्मॉल क्यू, यहां पर भी स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। तो हम एक की वजह से बताओ, हाँ बताओ क्या बी है, देखा तो ठीक। अच्छा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं नहीं उस डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड बताओ बताओ, मुझे नहीं पता सर। चलो तो ठीक है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हाँ इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक मिनट ये सुन ले, दोबारा बोलना प्लीज ऐश्वर्या, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैं उसी पर आ रहा हूँ अभी। हमने क्या करा कि जैसे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि क्यूबॉइड में जो है वो टोटल 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे फेसेस जो है वो स्क्वायर के होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायगोनल की लेंथ निकालेंगे और डायगोनल की लेंथ का हाफ कर देंगे, कैसे आप ये सोचो, सॉरी क्यूब में, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, मैं इसमें ये कहूंगा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा अब मैं क्यूब की बात करूं, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3L स्क्वायर, और ये ऐसे हो जाएगा √3L। अब यहां पर L क्या है, लेंथ यानी कि साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो √3x ये हो गया। अब आप ना एक चीज देखिएगा कि जब हमने नॉर्मली जब स्क्वायर का क्वेश्चन भी करा था, तो स्क्वायर के क्वेश्चन में डायगोनल निकालकर, और डायगोनल का आधा ही तो करा था, डायगोनल को मैंने 2r ले लिया था, तो r इस तरफ और r इस तरफ, तो इसका डायगोनल का आधा करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम any distance from any vertex of the cube to the center, any vertex of the cube to the center is equal to क्या हो जाएगा, √3x/2, आधा हो जाएगा। ये आधा कैसे करा, समझ गए, yes, बताइए बेटा आधा कैसे करा, ये सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बताओ, yes, sir. आधा yes, क्यों sir. करा, हाँ चलिए, ये आधा हमने कर दिया √3x/2, तो ये मेरे लिए क्या आ गया, ये r आ गया, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल ही पूछ रहे हैं ना वो, है ना, हाँ, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, देखना पड़ता, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, तो कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो इसका मतलब 8 into, अब एक की वजह से निकाल लो पोटेंशियल, 1/4πε0, और चार्ज क्या है क्यू, और आर क्या है √3x/2, ये हो गया, 4 × 4
फोर टू जा एट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर क्यू, टू तो था ही ऊपर और ये टू और आ गया ऊपर, तो फोर क्यू अपॉन रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, फोर क्यू अपॉन रूट थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, तो ऑप्शन बी। अरे उसने एकड़ बक्कड़ बम्बे पो करके रट्टा मार रखा है पूरे क्वेश्चन बैंक का, क्या समझ रहे हो तुम? हाँ हाँ, तो बिना छुए ही तो करा जाता है रट्टा, रट्टे में छूने की क्या जरूरत है, ऐसे थोड़ी करोगे चिट्ठी की तरह, जैसे चिट्ठी बुक को ऐसे करता था, सब स्कैन हो गया, दिमाग में बैठ गया ऐसे ऐसे करके, 2.0। चलिए जी 39 देखो जरा, हाँ बताते रहो तुम। इनको एक जगह लिख लो ना पहले, चलो ठीक है मैं बताऊंगा कैसे करना है। 39 देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर 39, a hexagon ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ, a hexagon of side 8 centimeter has a charge of 4 microcoulomb, 4 microcoulomb at each of its vertices. At each of its vertices, full stop, the potential at the center of the hexagon is. ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर बोला तो रेगुलर ही है ना, एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इज, ऑप्शन ए है 2.7 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, ऑप्शन बी है 7.2 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2.5 इंटू 10 की पावर 12 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 3.4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, 3.4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। अब देखो जरा, अब रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी साइड सारी की सारी, अब इन्होंने बोला ना ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, अगर अलग अलग होता तो अलग अलग देते, और याद रखिएगा इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ट्राइंगल आएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, हेक्सागन है तो वो भी एक जैसी साइड्स का ही आएगा। अभी बता रहा हूँ, देखो हमने क्या करा, हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया यहाँ पर, ये रुको एक मिनट, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन बोल रहे हैं, तो आप ये देखो, ये हो गया 10 की पावर -6, ये एक इसका डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, और ये तीसरा डायगोनल, तो इन सारे डायगोनल्स को देखकर मुझे एक चीज समझ में आती है कि इसके अंदर, आप बताओ क्या रहा है, ऑप्शन ए सही है। तो आप ये देखिए कि इसमें क्या है, अ हेक्सागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर हैज 4 माइक्रोकूलम, तो हर एक उस पर 4 माइक्रोकूलम रखा हुआ है,
ठीक है। और यहाँ पर ना एक चीज होती है कि हेक्सागन में, हेक्सागन के जो डायगोनल्स होते हैं उन डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उनको सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना तो ये वाली साइड भी 8 होगी भाई। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो 8 8 8, अगर ये भी इक्विलेटरल है तो ये भी 8 8, ठीक। तो सारी की सारी साइड्स, अब आप यहाँ पर नोट करें, हेक्सागन डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन, डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागन डिवाइड्स इट इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये उसको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं इसके सेंटर को O बोल रहा हूं तो पोटेंशियल एट O पोटेंशियल एट O देयरफॉर पोटेंशियल एट O, तो आप ये देखिएगा कि मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो 8 है तो कितने, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ अभी बता रहा हूँ मैं, 6 × 1/4πε0 और चार्ज कितना है, 4 μC, तो 4 × 10⁻¹⁶ अपॉन डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 8/100, ठीक। हाँ 6 × ये हो गया 9 × 10⁻¹, और यहाँ ये 100 है, ये ऊपर आ जाएगा तो 4 × 10⁻¹⁶ × 10⁻², और अपॉन में 8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 2 × 3 = 6, ये हो गया 3 × 9 = 27, 27 के बाद ये हो गया 9 + 2 = 11, 11 − 6, 11 − 6 कितना हो गया, 27 × 10⁵, अगर इसको बढ़ाना है 10⁶ करना है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.7 × 10⁶ वोल्ट, तो ये ऑप्शन ए है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है कि नहीं, आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये वाला जो है ये हमने एक अकेला क्वेश्चन करा है हेक्सागन वाला, तो हेक्सागन वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि हेक्सागन के जो डायगोनल्स हैं वो उसको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी क्यूब वाला क्वेश्चन देखा था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है क्यूब का, ठीक है, डायगोनल की लंबाई, हाँ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, तो मार्क कर लो जहां पर भी क्वेश्चन कर रहे हो ना उसमें ये चीज मार्क करते रहिए, ठीक। पेपर में जैसे फिजिक्स का पेपर कौन से कब है, 10 को है, उससे पहले एक दिन की छुट्टी है, दो की, चार दिन की छुट्टी है ना, छुट्टी है उसके लिए, हाँ अगर चार दिन की छुट्टी है तो ये चीज मार्क करके रख लेना, रिवीजन के टाइम पर याद आती है, ठीक है। चलिए जी, अब सर एक बार 43rd बता दीजिए, 43rd अभी देख रहा हूँ, एक मिनट, अरे देख तो लेने दो, 43rd है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही वाला ना, द इलेक्ट्रिक, हाँ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम, बेटा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मेरे को, इन्होंने बोला ना ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, और फिर आंसर दे रखा है मैक्सिमम एट बी, वो मेरे को लग रहा है कि कुछ शायद इन्होंने फिगर या तो मिसिंग है या कुछ डेटा मिसिंग है या कुछ हमको ये दे देते कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, हाँ तो किसी एक पॉइंट, बेटा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इतने डेटा से ही कैलकुलेट कर पाए,
समझ गए? हाँ, 39 39, उसके बाद ये सारे कंसेप्चुअल हैं, देख लीजिएगा, ये तो हो जाएंगे, आप एक बार देख लें इनको। और मैं बताता हूँ, अच्छा दे रखा है, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए बी ओ सी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी सबसे ज्यादा दूर है, क्या हुआ? अरे भाई पेन ले लो, वो आंख में मार लेगी अपने। मेरा डायग्राम है, इसका डायग्राम मिसिंग है इसमें, क्वेश्चन में भेज देना इसको, ग्रुप पर शेयर कर दो। एक क्वेश्चन नोट करिए, अब है क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, ये वाला। हाँ क्या बोल रहे हो? लेफ्ट वाला आपका तभी लगेगा जब हमको पहले से ही करंट दे रखा है, जब मुझे इंड्यूस करंट निकालना है तो राइट लगेगा। देखिए वो आपका राइट हैंड ही तो होता है ना, वो राइट वाला ही लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। चलिए पहले ये देखिए फटाफट, 56। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, 4 माइक्रो कूलम, एंड -3 माइक्रो कूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस 4 माइक्रो कूलम एंड -3 माइक्रो कूलम with no external field placed at -5 cm (0, 0) and 5 cm (0, 0) respectively. नहीं नहीं कुछ नहीं, रिस्पेक्टिवली द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस बाकी दोनों तो जीरो ही है, जरूरत नहीं। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस required to separate the two charges infinitely away from each other is बताऊंगा अभी। ऑप्शन ए है -1.1 जूल, ऑप्शन बी है +2 जूल, ऑप्शन सी है 2.5 जूल, और ऑप्शन डी है 3 जूल। अब ये देखो कि यहां पर ये पूछ रहे हैं, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू
चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट इधर दिया, इधर भी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस पर लोकेटेड हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे ये तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया वाई वाई डैश और ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, तो इधर बीच में जीरो, हाँ इधर हो गया माइनस फाइव और इधर हो गया प्लस फाइव, तो इसका मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां पर चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम और यहां पर चार्ज कितना है माइनस 3 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम और माइनस 3 माइक्रो कूलम। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर इज, मतलब दोनों को इनफाइनाइटली अवे अगर करना है तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा इन दोनों की वजह से कोई ना कोई एनर्जी डेवलप हो गई होगी और दोनों रेस्ट में हैं, तो रेस्ट का मतलब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी है कि अगर मैं इनको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा तो ये इजीली सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी है ना, और वो उतनी बाइंडिंग एनर्जी अगर हम इस पर प्रोवाइड करा दें तो फिर इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इन दो चार्जेस की वजह से, ये दो चार्जेस है क्यू वन हो गया, ये क्यू टू हो गया और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। ठीक है, तो हम ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मेरी बात समझ में आ गई, ऑनलाइन वाले भी बता दें, हाँ हाँ बताया तो था, कल लिखवाया भी था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वो सारे के सारे पोटेंशियल्स पर थे, अभी हमने जितने भी करे हैं वो सब में पोटेंशियल था। ठीक, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ये देखो कि जैसे हमने क्या करा कि पोटेंशियल जब हमने निकाला था तो उसमें वर्क डन जब निकालते थे तो जो नया चार्ज होता था वो भी मल्टीप्लाई कर देते थे, वर्क डन और एनर्जी एक ही तो बात है, तो यहाँ पर क्या है कि जब उसमें उसमें एक चार्ज होता था पोटेंशियल में तो जब वर्क डन निकालेंगे तो दूसरा चार्ज भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज मल्टीप्लाई होंगे बस। वो W is equal to Q into VB minus VA होगा, हाँ तो वो वही तो है, VB minus VA क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और Q क्या हो गया एक नया चार्ज बस, तो वो भी वही तो लग रहा है भाई, आप इसको Q मान लो, आप इसको Q मान लो और ये कहो कि ये Q हो गया और इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो और फिर ये वाला चार्ज इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, नहीं समझे भाई, हमने पोटेंशियल निकाल लिया, आप इसको क्यू मान लो, ये क्यू हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, आर क्या है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक, हाँ डिस्टेंस दोनों के बीच का, और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इधर 5 है और इधर माइनस 5 है, तो इधर वाला माइनस इधर वाला, तो 5 माइनस माइनस 5 क्या हो गया प्लस का 10, 5 माइनस माइनस 5 प्लस का 10, ये फंडा भी याद रखना, एम ही नहीं बता रहा मैं, कभी ये सोचोगे नहीं इधर 5 हो गया इधर 5 हो गया, कई जगह ये भी फंडा यूज होता है, कुछ क्वेश्चन आगे मैं करवाऊंगा एक दो उसमें आएगा। तो जब करते हैं जैसे मान लीजिए 2 से 7 तक का भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, तो इधर वाले में से इधर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 - 2 यानी कि 5। ठीक, तो खैर अब आप ये देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ही निकाली जाएगी यहाँ पर, वो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ना बोलकर उन्होंने एक नया सेंटेंस लिख दिया, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से उनको सेपरेट करना और कहां तक, ये उसकी डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये हो गया 1/4πε0 q1 q2 upon r, वैल्यू डालो 9 × 10⁻⁹ 4, पहले तुम बताओ ना, बताता हूँ अभी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 4 × 10⁻⁶ और Q2 क्या है -3 × 10⁻⁶ अपॉन आर क्या है 10 का मतलब क्या हो गया 0.1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला एक ही ऑप्शन है, तो ठीक है ये प्रियांशु तुम्हारे वाला लॉजिक सब बच्चे सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे, देख लो तुम महान हो, मतलब मैं पहचान गया था पहली नजर में, ये कुछ तो बात है 0.1 पता नहीं,
गोविंद ना बता सकता है? दो ऑप्शन देने के वाले आपने नहीं, नहीं। नहीं तुमको इसी ने सिखाया होगा कि रट्टा मार ले भाई सबको। मैं लॉजिक लगाता हूँ कि ये सबसे अलग लग रहा है तो यही होगा। वही निकला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57। अगर ये समझ में आ गया इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपका जो रिजल्ट है वो -1.1 जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। हाँ दे दो ये, अभी बाकी बच्चे तुम्हारी बात सुन रहे हैं नहीं, ये मैं तेरा देख लूँ। हाँ एकांश भी है और ईशान नहीं है, अभी ईशान का भी होना जरूरी था और नहीं हर्ष नहीं है। हाँ अरे इसकी तो पहुंच ही जाती होगी। लिखिएगा, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम्ब एंड -2 नैनो कूलम्ब टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम वन प्लेस्ड एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर 0 0 वन प्लेस्ड एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर कॉमा 0 0 इन्फिनिटी से किसी उस पर लाए तो वर्कडन 0 क्यों होगा? वन प्लेस एट वर्कडन इनटू चार्ज वन प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर कॉमा 0 0 एंड एंड एक्स सेंटीमीटर एंड अदर एंड द अदर एट एक्स सेंटीमीटर कॉमा 0 0 इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर इज नो In a region of space where there is no other external field, where there is no other external field. Full stop. If the electrostatic potential energy of the system If the electrostatic potential energy of the system is -0.5 microjoule, full stop, the value of X is The value of X is option A 20 centimeter, B 80 centimeter, C 4 centimeter or D 16 centimeter. ठीक है, ये चार options दे रखे हैं। अब देखिएगा किस तरह से करेंगे इसको। उसके लॉजिक बड़े भयानक है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पर ही दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स और एक्स डैश, ये हो गया इधर, मान लीजिए ओरिजिन है, तो इन्होंने बोला ओरिजिन बल्कि थोड़ा और इधर शिफ्ट करो, तो एक तो वो बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 तो यहाँ पर हो गया 2 सेंटीमीटर,
और x सेंटीमीटर यहां पर हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बताएंगे? x माइनस टू, नहीं कोई बात नहीं, नेगेटिव में नहीं दिया, मैं तो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना, मैं तो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो ये ओरिजिन है, और अगर मान लीजिए ये जो x है, अगर मान लो ये x इधर होता, हम इस x को पॉजिटिव ही मानकर चल रहे हैं, तो किसी भी तरह से आप देखो या तो x माइनस टू होगा या टू माइनस x होगा, है ना, तो x माइनस टू ही ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये r की वैल्यू हो गई x माइनस टू, x माइनस टू सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में अगर करना है तो x माइनस टू अपॉन 100 हो गया, ठीक है, क्या आ गया बताओ बताओ। अरे वाह बहुत बढ़िया, हाँ और तुमने बता दिया उसको, तुमने टेस्ट नहीं दिया था ना यहाँ वाला, क्यों? नहीं मैंने अभी तो थर्सडे वाले दिन थे नहीं। चलो तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये इतना दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught वही Q1 Q2 upon R। अभी Q1 क्या है 5, और पोटेंशियल एनर्जी इधर कितनी दे रखी है -0.5, और माइक्रो जूल का मतलब 10^-6, 9 × 10^9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2, Q1 कितना 5 नैनोकूलम, यानी कि 5 × 10^-9 मल्टीप्लाइड बाई -2 × 10^-9 अपॉन R कितना है x−2/100, ये हो गया। तो इधर ये माइनस है, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में 100 है ये ऊपर आ जाएगा, 10^9 और 10^-9 कैंसिल आउट हो गया, तो 10^-9 बचा, ऊपर ये 100 चला जाएगा, तो 10^-7 0.5 × 10^-6 इज इक्वल टू 90 × 10^ रुको तो सही −9 × ये 10^-7 हो गया, ठीक है, और अपॉन x−2 ये हो गया। अब अगर इसको मैंने डिनोमिनेटर में मैंने 10 कर दिया, तो ये 10^-7 हो जाएगा ऊपर आकर, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, समझ गए कि नहीं? हाँ, और अब इधर देख लो आप, x निकालना है तो 5 इज इक्वल टू 90 है, और कितना होता है 18 5 90 होता है, तो इसका मतलब यहां तो 1 बचा, 1 इज इक्वल टू 18/(x-2), 1 = 18/(x-2), ये हो गया। इसको इधर ले आओ, x−2 = 18, तो x = 20, ठीक है, सेंटीमीटर में ही आएगा ये, क्योंकि यहां पर जो x लिया है वो हमने कोऑर्डिनेट लिया है, दैट कोऑर्डिनेट इज इन सेंटीमीटर, तो x = 20 cm, ऑप्शन ए, ठीक है, इतना कर लीजिए। और टेस्ट की वो ले जाना अपनी, OMR शीट चेक कर दिया था मैंने, ठीक है, और प्रिपेयर रहिएगा। मैं जो आपका कल से जो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आपका जो है एक मैथ्स का और एक फिजिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना। और कल आपकी क्लास का क्या टाइम रहेगा मैं बता दूंगा, कल और परसों तुम लोगों का स्कूल है, हाँ ट्यूसडे को स्कूल है, कल नहीं है ना, ठीक है, और तुम स्कूल से किस टाइम आ जाओगे? कल 1:30 बजे आ जाओगे, 2 बजे तक आ जाओ, 2 बजे टाइम, 2:30 बजे रखें, 2:30 बजे रखें, सही रहेगा। थैंक यू सर, चलिए ओके ओके, थैंक यू सर, ओके नमस्ते सर, हाँ दे रहा हूँ, ऐसी चीजें याद मत दिला दो, मान लो तुम भूल गए थे, श्रेष्ठ के द्वारा पत्र के द्वारा लेखक से भेज दीजिए।
अरे भाई क्या बात है, 22 आया। गुड आफ्टरनून। Thank you.